मेरा नाम है सौरभ पांडे और मैं अभी केमिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी कर रहा हूँ यहाँ आईआईटी बीएचयू में। हाँ, मेरा नाम रवि सैनी है, मैं भी हाई केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ। आप आएंगे जैसे स्टेशन है बनारसी कैंट, मतलब जंक्शन नहीं है यहाँ पे, आप आएंगे बनारस एक सिटी है, अगर उधर साइड से आ रहे हैं गोरखपुर साइड से आ रहे हैं सिटी है, फिर कैंट है, फिर अभी बनारस जैसे जो पहले मड़वड़ी था तो बनारस हो गया, तो वाराणसी कैंट उतरेंगे आप, और अगर आप दिल्ली साइड से आ रहे हैं तो आप मड़वड़ी यानी जो बनारस है अभी मड़वड़ी वहाँ उतरेंगे, तो वहाँ से आपको ऑटो मिलेगी सीधे लंका, लंका चिल्ला रहे ऑटो वाले, लंका बिच्चू जो गेट है नाम है लंका, लंका लंका ऑटो वाले बोल रहे होंगे, लंका बिच्चू ऐसा। अच्छा, तो लंका गेट मेन अपने आईटी बिच्चू कैंपस का जो मेन गेट है ना, उसके आसपास का जो एरिया उसको लंका कहते हैं। ओके, तो आप लंका लंका के वहाँ आइए, आधा घंटा ना, ओके, ट्रैफिक बहुत रहता है, तो 5 किलोमीटर सुबह आए तो 15-20 में भी आ सकते हैं, और अगर सही समय पे आ गए तो 1.5 घंटे भी लग जाएगा। ये यहाँ का विवेकानंद हॉस्टल आईडी बिच्छू का, तो आइए देखते हैं अंदर हॉस्टल के रूम्स और फैसिलिटी। कुछ पीएचडी वाले हैं अभी, वॉशिंग मशीन उन्हीं की है, अच्छा इधर कपड़े वगैरह जैसे धोने तो ये मतलब प्रोवाइड की है वॉशिंग मशीन वगैरह, अच्छा खुद खरीदे हैं। ओ तो ये अपना आईडीबीएचयू का हॉस्टल रूम है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मतलब बॉयज का तो रूम सबको पता है कैसी लाइफ होती है, तो ये यहाँ पे एक कबर्ड है और ये विंडो है बाहर अपना, और ये यहाँ पे एक अलमीरा है, शूरेक है, और ये बेड है। अच्छा ये दो लोगों का रूम है ना ये? हाँ, दो लोगों का है ना, काफी छोटा रूम है। हाँ, एक लोग के लिए, दो लोगों के लिए तो बना दिया गया, बस जगह नहीं है, तो तभी तो हटाया ना यहाँ से, हमें डबल कर रहे थे, बच्चे रहने को तैयार नहीं थे। कैसे रह लेंगे इसे, मेरे को बताया कि दो कैसे आएंगे यहाँ पे, जगह देख रहे हो, मैं साफ सफाई कर रहा हूँ, सनसनट है तो छोटा रूम सांस मिले, सांस मिले तो मुझे सांस आई, मतलब तुम सांस छोड़ोगे तो खींचेगा, यहाँ पे टेबल लगी है, यहाँ पे टेबल लगी है, तो अंदर कहाँ से हो गए, यही तो बात है, यही तो दिक्कत है। ये हमारे भाई गंदे कपड़े हैं, तो हमेशा ऐसे बाहर निकाल के रखते हैं, उनको ये उनका पता नहीं, ये गंदे कपड़े हैं, ये आधे साफ है कि पूरे साफ है पता नहीं, ये धुले हुए, यहाँ से निकाल के पहनते हैं, गंदा हुआ यहाँ टाक देगा, यहाँ से निकालते हैं, ऋतिक पतला हाँ, वो यहाँ से उठाते हैं साफ कपड़े पहनता है, गंदे हो गए, यहीं टांगे था, यहीं से उठा के धोता है, मतलब वो अंदर रहता है, क्लोज लूप है भाई का पूरा, और जगह भी तो नहीं रखने की, रखेगा कहाँ, सूटकेस डाल निकलेगा कि बार बार निकलते हैं। अच्छा आप लोग मैनेज कैसे करते हो, कपड़े तो एक ही है, कपड़े में कुछ नहीं है, अच्छा सब बाहर है, हॉस्टल जो है विवेकानंद हॉस्टल है, ये इस बार अलॉट हुआ है, पहले पीएचडी को अलॉट होता है, अच्छा अब इस बार अलॉट हुआ है एमटेक, एम फार्मा, एमएससी, ओके, किस फ्रेंड्स के लिए है। अच्छा, और हर रूम में सिंगल सिंगल पर्सन? नो नो, अच्छा अच्छा डबल शेयरिंग वाला है, ओनली पीएचडी स्टूडेंट सिंगल है। ओके, तो मतलब वो कोई हॉस्टल नहीं है जिसमें सारे बच्चे सिंगल रहते हो? नहीं, ऐसा तो अभी ऐसा कोई हॉस्टल नहीं है ना, इवन जो फर्स्ट सेमेस्टर के लोग आते हैं फर्स्ट ईयर के, उनका ट्रिपलिंग है, वो ट्रिपलिंग है, रूम जो है बड़ा है, अच्छा रूम बड़ा है, हॉस्टल अलॉट हुआ है। हॉस्टल में इंडोर गेम्स है, देख रहे हैं आप सामने, ग्राउंड तो है काफी बड़ा है, काफी बड़ा है। हाँ, बैडमिंटन वगैरह खेलने के लिए है इधर? हाँ, है ऊपर है, अच्छा ऊपर है, अच्छा कॉमन हॉल भी है, देख सकते हैं साथ में, अच्छा कॉमन रूम वगैरह भी है, कैंटीन है अंदर जो लेट नाइट तक खुला रहता है, 3 बजे तक, अच्छा 3 बजे तक खुला रहता है, ताकि कूलर भी अपना लगा सकते हैं, अच्छा अच्छा कूलर वगैरह लगा सकते हैं, मना ही नहीं है उस हिसाब से, हीटर रखते हैं, नहीं रूम हीटर तो बना हुआ, मना क्या ऑफिसली तो मना हुआ, ऐसे मतलब कुछ एंट्री टाइम क्लोजिंग ऐसा कुछ नहीं है ना, बच्चे कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, बट रात में एंट्री करनी होती है, अच्छा रात में एंट्री करनी होती है, मतलब जैसे रात के 10 बजे के बजा रहे हैं ऐसा कुछ रोक टोक नहीं है ना, क्योंकि वो मेरे ख्याल सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है, हाँ बॉयज के लिए नहीं होता है, 10 बजे तक एंट्री करनी होती है, 10 बजे तक का है, अदरवाइज अच्छा उसके लिए जो शादीशुदा पीएचडी वाले हैं, वो अच्छा उनके लिए है फैसिलिटी यहाँ, अरे अच्छा यार, ये तो अभी 3 खाली हुआ था, शादी होती है 1 बीएचके है,
चाहिए है। और ये नया बना है, हाँ ये लग रहा है नया बना है, काफी ऊँचा होगा तो अच्छा फ्लोर का। स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे बेनिफिट होगा। ये क्या गर्ल्स था क्या, गांधी छात्र गांधी स्मृति ओके। ये सात्विक मैस है। साउथ कैंपस ये अलग है यहाँ से, बीएचयू का साउथ कैंपस मिर्जापुर में। अच्छा 2700 एकड़ में, लेकिन उसमें अभी सारे डिपार्टमेंट नहीं चलते, जैसे एग्रीकल्चर चलता है और कॉमर्स वगैरह चलता है, अभी ऐसे जंगल पड़े हैं। अच्छा फुली डेवलपमेंट नहीं है वहाँ। बीएचयू और आईटीबीएचयू में इधर ये दोनों अलग अलग कैंपस है क्या? नहीं कैंपस एक है, लेकिन कैंपस का ये सबसे किनारे जो है बसा हुआ वो एग्रीकल्चर और आईटी है। अच्छा बाकी उधर कैंपस सारा बीएचयू का है, इसकी कुछ फैकल्टी उधर भी है। पहले क्या था, बीएचयू का बीटेक था, आईटी 2012 में आईआईटी पास हुआ। ओके तो कैंपस अभी लगभग सेम ही है, बहुत सारी सुविधाएं जैसे मेडिकल फैसिलिटी हो गई, स्विमिंग पूल हो गया, ये बीएचयू का और आईटीबीएचयू का कॉमन है। अच्छा जिसमें प्रोग्राम होते हैं, स्वतंत्रता भवन हो गया, वो भी सबका कॉमन है। अच्छा वो ऑडी टाइप है, स्वतंत्र भवन है ना, उसमें सबका प्रोग्राम होता है, आईएमएस का, अच्छा आईआईटी का, सबका। अच्छा मेरे सब्सक्राइबर हैं वो सब ये जानकारी तो फिर ले रहे होंगे, अगर किसी और को मतलब कुछ और जानकारी चाहिए या फिर पूछना है तो ये आपके दो यहाँ पे आईडी बीच के स्टूडेंट्स हैं, या तो मैं बोलूँगा आपके ये सीनियर सर हैं, तो इनकी मेल आईडी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप उनसे कभी भी पूछ सकते हैं और आगे की जानकारी ले सकते हैं। पत्थर हालत में इतना सही बना रखा था भाई, सवार कर दिया यार। I hope you people like this video. Keep sharing your love by like, share and subscribe on our channel. Till then, tata take care. Dhanyawad.